और वही बिहार में एक भी सीट नहीं मिलने पर नाराज पशुपति पारस, केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे सकते हैं। आज सुबह 11 बजे दिल्ली में अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे पशुपति पारस। बड़ी खबर यही है कि ये जो पीसी होने वाली है, बस इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तीफे का ऐलान भी वो कर सकते हैं। पशुपति पारस ने एनडीए में 3 सीट मांगी थी, हाजीपुर जिसके ऊपर सबसे ज्यादा विवाद हुआ, समस्तीपुर, नवादा, ये 3 सीटें मांगी थी, लेकिन 3 क्या, 2 क्या, एक भी सीट उन्हें नहीं मिली। अब इसी बात से वो नाराज है। चिराग पासवान को जिस तरह से तवज्जो दी गई है, चाचा उसके बाद नाराज है। और 11 बजे दिल्ली में अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अपने आवास के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करने वाले हैं, और यही कहा जा रहा है कि पशुपति पारस इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने इस्तीफे का ऐलान भी कर सकते हैं। हाजीपुर सीट जिसकी मांग चिराग पासवान ने भी की थी, जिसकी मांग पशुपति पारस ने भी की थी, जीत मिली चिराग पासवान को। तो बिहार में एनडीए में एक भी सीट नहीं मिलने से नाराज पशुपति पारस से बातचीत लगातार जारी है। सम्राट चौधरी ने बहुत जल्द कुछ सही होने का दावा भी कर दिया है, और वहीं बिहार एलजेपी अध्यक्ष राजू तिवारी ने एनडीए के 40 की 40 सीट जीतने का दावा भी ठोक दिया। पिछले बार 2019 के चुनाव में 3 पार्टियों के गठबंधन में हम चुनाव लड़े थे, इस बार 5 पार्टियों के गठबंधन में चुनाव लड़े। पशुपति पारस से नाराज, उनसे वार्ता चल रहा है, एडजस्ट करने की कोशिश हो रही है, वार्ता चल रहा है। हमारा पुराना गठबंधन में हमको मिल चुका है, बार बार एक ही बात को कहना कहीं से उचित नहीं होगा। 6 सीट और 1 राज्यसभा की सीट पहले से हम लोग का रहा है, और हमारे बड़े नेताओं के, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान एनडीए के बड़े नेताओं के संपर्क में है, और जो भी होगा अच्छा होगा। और बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग के बाद पशुपति पारस गुट में बेचैनी अब और बढ़ गई है। दिल्ली में आज नीतीश कुमार से पशुपति पारस मुलाकात कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक पशुपति पारस ने नीतीश कुमार से मिलने का वक्त मांगा है। नीतीश से मुलाकात के बाद पशुपति पारस अपना आखिरी फैसला लेकर कुछ बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। ये अहम जानकारी दिल्ली से मिल रही है, जहां नीतीश कुमार और पशुपति पारस की आज मुलाकात होने वाली है, और इसी मुलाकात के बाद ये कहा जा रहा है कि कुछ बड़े फैसले पशुपति पारस की तरफ से लिए जा सकते हैं, और उसका ऐलान भी इसी मुलाकात के बाद पशुपति पारस करेंगे। तो मिलने का समय नीतीश कुमार से उन्होंने मांगा है, जिस तरह से उन्हें सीट दी गई है एनडीए के अंदर लोकसभा चुनावों में, उसी से खासे नाराज हैं। एक तरफ तो सीट नहीं मिलना, और दूसरी तरफ चिराग पासवान का कद बढ़ना, 5 सीट उन्हें मिल जाना लोकसभा चुनावों की, यही बात बस चुभ गई है पशुपति पारस को, और वो एनडीए का दामन छोड़ सकते हैं। बड़ा ऐलान करेंगे जरूर, लेकिन खबर यह है कि नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद होगा ऐलान।